हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं नीतीश और आप सभी का स्वागत है एक और गेम प्ले वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग हार्ड चैलेंज करने वाले, बहुत ही हार्ड चैलेंज है, ओनली पंच चैलेंज। अब इस चैलेंज में मुझे सिंपली एक ही चीज़ करना है, मुझे पंच से सभी बंदों को मारना है। ये हार्ड चैलेंज तो है, इसके कारण से मैं सोलो वर्सेस सोलो खेल रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा गेम प्ले जाता है। अब ये चैलेंज बहुत हार्ड है तो मैं बीमा शक्ति पे ही जाऊंगा। यहाँ पे बस प्लेयर्स ना आए क्योंकि मेरे पास पंच है और यहाँ पे जो प्लेयर्स आएंगे उनके पास शॉर्ट गन भी हो सकता है, शॉर्ट रेंज गन्स भी हो सकते हैं और हम लोग कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पे दो प्लेयर आई थिंक आ रहे हैं। चलो दो प्लेयर है और देखा जाएगा। स्कैनर में तो दो प्लेयर दिख रहे हैं, आई थिंक स्कैनर से बाहर भी प्लेयर हो सकते हैं और हम लोग ये नहीं कह सकते कि दो प्लेयर ही आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ध्यान में रखना है कि प्लेयर्स मुझे ना स्पोर्ट करें। अगर मैं स्पोर्ट करूँगा प्लेयर्स को तो डेफिनेटली मैं मार सकता हूँ, क्योंकि छिप कर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बंदे मुझे स्पोर्ट कर लेते हैं तो बंदे रस करेंगे तो मैं मारा जाऊँगा। और ये बंदा पीछे जो कि सामने की साइड ये प्लेयर जा रहे हैं तो देखा जाएगा। और मैं रस करने वाला हूँ क्योंकि इसके पास गन भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, और आई थिंक मैंने गन देखा था। चलो कोई नहीं, रस कर देते, देखा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट किल तो चाहेंगे ही यहाँ पे। और ये लोग ख़त्म, लिटरली फर्स्ट किल इतना इजीली होगा मुझे पता नहीं था और मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और सिंपली ये बंदा ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक और प्लेयर आया था बट मुझे दिखा नहीं, हिटलिस्ट लगा के देखेंगे। ओके, यहाँ पे इतना कुछ मशीन के अंदर फर्स्ट टाइम इतना कुछ। ओके, सब कुछ लेते हैं, हिटलिस्ट लगाते हैं। ये बंदा है कहाँ पे? ओके, सामने की साइड, राइट साइड में पहले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से और इस बंदे को ख़त्म। पेन हटाना पड़ेगा क्योंकि पेन चैलेंज नहीं है, यहाँ पे मैं पंच चैलेंज कर रहा हूँ। लिटरली मुझे लगा था कि ये प्लेयर फेंस के पीछे है, पीछे वाले फेंस के पीछे, बट ये यहाँ पे है मुझे पता अभी चला। और मैं फेंस के पीछे देख रहा था लिटरली, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे ये प्लेयर ऊपर की साइड, बस M10 नाओ। मैं तो ऐसे ही रस कर रहा हूँ। ये रहा, ये लोग खत्म, ये भी इजीली ख़त्म। और इसके पास भी गन था और लूट भी बहुत अच्छा खासा। और ये प्लेयर यहाँ पे कैंप करने के लिए आया बंदा, नहीं पैरासूट है वो। मुझे लगा कि लिटरली बंदा कोई प्लेन से नीचे आ रहा है और वो ड्रॉप था, आई थिंक मॉन्स्टर कार था, ड्रॉप नहीं था। तो सामने के साइड अब चलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स दिखने वाले नहीं हैं। सामने दो प्लेयर फाइट कर रहे थे लेकिन यहाँ पे आई थिंक फाइट ख़त्म हो चुका है और मेरा थर्ड पार्टी भी ख़त्म। चलो कोई नहीं, इसको जाने तो नहीं देंगे, जिप लाइन से कहाँ तक ही भागेगा। और मेरे पास है पंच और डेफिनेटली इसके पास होगा शॉट गन या फिर और कोई गन। इस प्लेयर ने अभी एक प्लेयर को मारा है तो इसके पास खतरनाक लूट होने वाला है। और जिप लाइन इतना बड़ा है, लिटरली मैंने सोचा कि जिप लाइन यहाँ तक होगा। एक और प्लेयर मुझे दिखा नीचे की साइड, मेरे साथ ही यहीं पे उतरते हैं। ओके, ऊपर से इसको मारने की कोशिश में, ओके ख़त्म कर दिया उसने, नहीं अभी मैं ख़त्म था, मुझे वॉल लाया। मुझे लगा कि इस प्लेयर ने देखा ही नहीं मुझे और इसने स्पोर्ट भी कर लिया और डैमेज भी दे दिया, लेकिन हेडशॉट मारा था इस प्लेयर ने। अब देखते हैं इसको कैसे मारना है, क्योंकि मेरे पास नेट है तो मैं नेट करने की ट्राई करूँगा। और यहाँ पे पंच चैलेंज है तो पंच से मुझे मारना है, बट नेट करके एक बार डैमेज तो दे देते हैं। नहीं, ये डैमेज यहाँ पे तो नहीं हुआ, पेड़ के पीछे ये, और मुझे लगा वहाँ पे मेरे ऊपर रस करेगा लेकिन पेड़ के पीछे तो ये रहा, पैक कर रहा है। आई थिंक ये डैमेज है, अब कैसे डैमेज हुआ मुझे तो नहीं पता लेकिन ये डैमेज तो है। अब ये ऐसे ही डैमेज होते रहेगा और ये बस बाहर आ जाए। ओके, बाहर तो आया बट कहाँ पे? यहीं पे होना चाहिए। ये रहा, ये लो ख़त्म। HP तो लो कर दिया इसने, लेकिन मैं एक ही चीज़ सोच रहा था, थर्ड पार्टी ना हो और इस प्लेयर के ऊपर बहुत कम डैमेज ना आए जिसके कारण से एक ही पंच में ये ख़त्म ही ना हो, मैं बस यही सोच रहा था। और बट कोई नहीं, ख़त्म हो गया। अब सामने चलते और भी प्लेयर्स होंगे। किसी प्लेयर ने यहाँ पे फायर दिया लेकिन मुझे दिखा, ओके सामने की साइड है और इसको पता नहीं कि मैं पीछे हूँ और मेरे पास पंच है। और मैंने जो कहा था कि मुझे ज़्यादातर कोशिश करना है कि बंदों से स्पोर्ट नहीं होना है, अगर मैं स्पोर्ट हो जाऊँ तो सामने वाला रस करेगा और मैं अगर स्पोर्ट कर लूँ तो कहीं से भी मैं ख़त्म कर सकता हूँ। ये देखो, ये लोग ख़त्म, डाउन, वॉल लगाना पड़ेगा, ये रिवाइव हो रहा है। ये लोग ख़त्म, सामने वाला बस वॉल ना तोड़े क्योंकि इसने एक वॉल तो तोड़ा था। यहाँ से निकलते हैं वरना ये बंदा मुझे मार सकता है। यहाँ पे दो प्लेयर फाइट कर रहे थे लेकिन दोनों में से, ओके सामने एक है, इनको मैं मार सकता हूँ बस मुझे स्पोर्ट ना कर ले। आई थिंक इसके पास शॉट गन भी है, नहीं दो प्लेयर यहाँ पे,
थर्ड पार्टी तो मेरा नहीं, मैं गया ख़त्म थर्ड पार्टी करने के चक्कर में मैं गया। अब इनको लगे मैं वही हूँ जिसने डैमेज दिया था, मैं बुरी तरह फंसा। अब मैं यहाँ पे गया ख़त्म। ये लो शॉट गन इसके पास, नहीं ये लो डाउन। अब वो प्लेयर ऊपर वाला प्लेयर मुझे मारे ना, एसबीडी है उसके पास, नहीं जोन में निकलना पड़ेगा। मैं गया, वो वॉल मेरे पास तो है बट देखते हैं, मैं आई थिंक जाने वाला हूँ। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं अभी जोन में तो नहीं हूँ बट कोई नहीं, सामने की साइड बंदा तो है। नेट नहीं, मैंने भी नेट किया था लेकिन कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। और ये सामने फाइट करने में भेजी, ये लो डाउन। और लिटरली इसने पीछे ध्यान ही नहीं दिया, बस सामने ध्यान दे रहा था। और ये वेजिकल वाला है और मुझे इससे डर है कि मेरे ऊपर रस ना करे। और अभी मुझे जोन में भी जाना। सुपर मेडिकेट मेरे पास कितना है, खतरनाक ही मेरे पास है। मैं हील बैटल कर सकता हूँ लेकिन इसको पहले ख़त्म करते हैं। और मुझे बुइया लेने के लिए हील बैटल ही करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, मुझे पहले जोन में जाना चाहिए। तो सेंटर में बैठकर मैं मेडिकेट से हील बैटल भी कर सकता था बुइया के लिए, लेकिन आई थिंक मैं ख़त्म हो सकता। नहीं, बंदा रस किया MP40 के पास, मैं गया ख़त्म, मैं जोन से ही ख़त्म। लैंडमाइन मैं लगा रहा हूँ, मेरे पास वॉन नहीं है, ये लो मैं डाउन। और इसने मुझे क्लियर भी नहीं किया बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं। बस एक सुपर मेडिकेट लग जाए। नहीं, मैंने गलती कर दिया यहाँ पे, मुझे रिवाइव होते ही मेडिकेट पे क्लिक करना चाहिए था और ऑटोमेटिकली सुपर मेडिकेट लग जाता। आई थिंक मैं बच सकता था बट कोई नहीं, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।